बात 1947 की है, जब अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के सामने बेल लैब्स कंपनी ने गाड़ी में इस्तेमाल होने लायक 12 किलो वजनी मोबाइल सिस्टम बनाने का आइडिया रखा। उसी वक्त दूसरी ओर मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने हैंडहेल्ड मोबाइल बनाने का आइडिया पेश किया। तो मोटोरोला कंपनी को FCC की तरफ से मोबाइल बनाने की परमिशन मिल गई और 27 साल के बाद मार्टिन कूपर ने 4 अप्रैल 1973 को विश्व के पहले मोबाइल का प्रदर्शन किया। इस मोबाइल को मोटोरोला डायनाटेक नाम दिया गया। मिस्टर कूपर ने सबसे पहला कॉल अपने कंपटीटर बेल लैब्स के मुखिया डॉक्टर जोएल एस एंजल को किया और बोले, जोएल मैं मैटी बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सेलफोन से कॉल कर रहा हूँ जो रियल हैंडहेल्ड पोर्टेबल सेलफोन है। दोस्तों उस वक्त ये मोबाइल सिर्फ प्रोटोटाइप ही था, यानी कि इसे मार्केट में यूजर के लिए लॉन्च नहीं किया गया था। और 10 साल बाद 1983 में इस मोबाइल को मोटोरोला डायनाटेक 8000X नाम से कॉमर्शियली लॉन्च किया गया और इसके साथ ही मोटोरोला दुनिया की पहली मोबाइल कंपनी बन गई थी। अगर आप भी मोटोरोला के यूजर रह चुके हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।